नमस्कार, माता वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड के द्वारा ताराकोटी मार्ग से यानी बाणगंगा से लेकर भवन तक के लिए केबल कार यानी ट्रॉली लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस बात को लेकर वहाँ के निवासी जिनमें घोड़ा टट्टू यूनियन तथा दुकानदार ने मिलकर 72 घंटे की हड़ताल कर दी है, जिसमें इन्होंने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया है, जिससे पब्लिक को आने जाने वालों को पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और इनका कहना है कि हमारे व्यापार पर इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और यात्री केबल कार से जाएंगे, जबकि श्राइन बोर्ड ने ये सब व्यवस्था बुजुर्गों के लिए, जो लोग नहीं चढ़ सकते हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था करने की तैयारी की है। लेकिन इस चीज़ को लेकर वहाँ की यूनियन काफ़ी रुष्ट है। उन्होंने 72 घंटे की हड़ताल की है और उनका कहना यह है कि आगे भी अगर श्राइन बोर्ड उनकी बातों को नहीं मानता है तो वो इस हड़ताल को जारी रखेंगे, और जब तक श्राइन बोर्ड अपना ये आदेश वापस नहीं ले लेता तब तक ये हड़तालें जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी, शर्मा जी, ये जो आज स्ट्राइक हुई है सुबह से, ये किस मुद्दे को लेकर स्ट्राइक है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता कि ये जो रोपवे है ना जी, ये रोपवे के लिए किया है। तो मैक्सिमम ये सारा ट्रैक खत्म करने के चक्कर में श्राइन बोर्ड। अच्छा, ये रोपवे कहाँ से कहाँ चालू कर रहे हैं? सर, बता रहे हैं कि ताराकोट से डायरेक्ट वैष्णो देवी के लिए। डायरेक्ट वैष्णो देवी के लिए? अच्छा, तो इसमें किस किस को नुकसान हो रहा है? इसमें सारा ट्रैक ही खत्म हो जाएगा, जो मैक्सिमम जो पुराना है इसमें आस्था है, जुड़ी है हिंदुओं जी जी जी, बांध गंगा है, चरण पादुका है, अर्ध कुंवारी दर्शन है, ये सब खत्म हो जाएगा। और पिछू लेबर घोड़े पालकी वगैरह सब खत्म होने के चक्कर में जी। अच्छा, तो शर्मा जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर ये श्राइन बोर्ड अगर इस पर एक्शन नहीं लेता तो आपका आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया यही है कि मैक्सिमम 3 दिन का भी इनको हमने अल्टीमेट दिया है जी। इसके बाद अगर कोई डिसीजन नहीं आता तो ये लगातार जारी रहेगा प्रदर्शन जी, जब तक कोई डिसीजन नहीं। तो इसमें हड़ताल में कौन कौन शामिल हैं? इसमें मैक्सिमम सारे गांव के लोग ही हैं, जो पिट्ठू पालकी जो भी मैक्सिमम गरीब तबका जितना भी है जी। तो बाकी इधर गांव के जिनके ये बिजनेस है जहां गांव का जो भी है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर ये रोपवे चालू करते हैं तो इससे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके व्यापार पे काफी फर्क पड़ेगा? जहाँ के नहीं, मतलब मैक्सिमम 20 डिस्ट्रिक्ट के लोग जहाँ जी, काम मतलब जैसे दुकानदार हैं, घोड़े वाले हैं, इन लोगों के बिजनेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल।